हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस सुपर कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज मैं कैप्टन अमेरिका के खास दोस्त और आयरन मैन का जानी दुश्मन यानी बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर को आयरन मैन के सबसे अच्छे दोस्त और कैप्टन का काम चलाओ दोस्त जेम्स रोड्स एके वॉर मशीन को आपस में कंपेयर करने वाला हूं उनके एमसीयू में दिखे कुछ मेन और ज़रूरी फीट्स के बेसिस में। यानी कि हर डिटेल्स और फैक्ट्स या फिगर्स को मैं यहां नहीं रखूंगा, बल्कि बस कुछ नीडेड को रखकर आपको ये बताऊंगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और दोनों में से किसके ज़्यादा जीतने के चांसेस है या कौन विनर होगा। तो गाइस, अब और देरी ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर की। तो गाइस, विंटर सोल्जर के पास है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना। वेल्जोला के किए एक्सपेरिमेंट और इस मेटल आर्म के ऐड होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस कारण विंटर सोल्जर एके बकी बार्न्स पंचेस काफ़ी ज़ोरदार कर सकता है या उसका ये सुपर स्ट्रॉन्ग थ्रो जिसने कैप्टन अमेरिका तक को पीछे पुश कर दिया था, यहाँ तक कि बकी फैल्कन के इन जेट विंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है या उसके एक ही पंच इस रोड को भी क्रैक कर चुका है। वैसे ही उसकी बॉडी जोला के एक्सपेरिमेंट्स के कारण काफी ड्यूरेबल हो गई है, जिसे नॉर्मल हिट्स या आयरन मैन का पावरफुल सूट या कैप्टन अमेरिका के अटैक भी उतने डैमेज नहीं पहुंचा पाते या बस माइनर इंजरीज मिलती है उसे। इसी के साथ बकी एक बहुत ही स्किल्ड और अच्छा ट्रेन फाइटर है, जो वर्ल्ड वार के समय से सोल्जर रहने के कारण यूएस आर्मी से ट्रेनिंग और काफी बैटल्स लड़ने के बाद एक्सपीरियंस भी होल्ड करता है। और तो और, हाइड्रा के द्वारा ब्रेन वॉश करके एक असासिन बनाने पर वो मोस्ट डेंजरस और डेडलीस्ट असासिन में से एक है, जो हाइड्रा के लिए ढेरों मिशंस कंप्लीट कर चुका है। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका को भी एक पॉइंट पर इस बैटल के दौरान वो काफ़ी हद तक सिचुएशन का एडवांटेज लेकर ओवर पावर कर ही चुका था, या वो ब्लैक विडो जैसे फाइटर का सामना कर चुका है और टिचाला के साथ विदाउट सूट और सूट दोनों में ही अपनी ऑसम बैटल स्किल्स के जरिए उससे लड़ चुका है। एडिशनली उसके एनहेंस रिफ्लेक्सेस के कारण बकी बुलेट्स को या किसी फाइटर के पंचेस और किक्स को डॉच करने के साथ फैल्कन के किए अटैक से भी बच चुका है, या उसका कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कैच करना उसकी फास्ट रिफ्लेक्सेस को शो करता है। वहीं बकी यूएस आर्मी का एक ऑफिसर रहने के कारण वेपन्स जैसे कि गन्स, ग्रेनेड्स या बॉम्ब्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखता है, जो राइफल्स, सेमी ऑटोमेटिक गन्स या मशीन गन्स से लेकर पिस्टल्स, लो कैलिबर फायर आर्म्स का यूज़ भी जानता है, जिससे वो रूम के बाहर से ही निक फ्यूरी को गोली मार चुका है या वकांडा में आउटराइडर्स को मार चुका है एक रकून को दूसरे हाथों में लिए। वहीं वो बहुत ही अच्छा नाइफ का यूज़ कर सकता है अपने बैटल स्किल्स के बीच, जैसा उसने यहाँ कैप्टन के अगेंस्ट किया, या वो काफ़ी बार कैप्टन की शील्ड का इस्तेमाल भी बखूबी करता है और तब भी कैप्टन ने फैल्कन को वो शील्ड दे दिया बकी के बजाय, जो बहुत ही सोचने वाली बात है। साथ ही बकी लॉन्ग जंप्स परफेक्टली कर सकता है या वो काफ़ी स्पीड से डिस्टेंस कवर कर सकता है, जहाँ इस टनल में वो ब्लैक पैंथर और कैप्टन के बराबर ही ऑलमोस्ट फास्ट रन करता है, या वो एक हेलीकॉप्टर को भी फ्लाई कराना जानता है, लेकिन बस उसे कैप्टन ने जाने नहीं दिया। और अब बात करते हैं वॉर मशीन एके जेम्स रोड्स के बारे में। तो गाइस, जेम्स रोड्स यूएस एयरफोर्स का कर्नल है, जिसने मौका हाथ आते ही बहती गंगा में हाथ धो लिया और मार्क टू सूट को लेकर निकल गया, मगर जब उसमें हैमर इंडस्ट्रीज के जरिए वेपन्स ऐड किए गए तब वो मार्क टू सूट वॉर मशीन का मार्क वन आर्मर बन गया। और ये आर्मर्स इवॉल्व होते ही गए एमसीयू में। वेल, वार मशीन आर्मर को पहनते ही रोड्स के पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्पीड और फ्लाइट कैपेबिलिटी जैसी एबिलिटीज़ आ जाती है। वेल, वार मशीन में सूट अप होते ही रोड्स की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी 100 टन्स या उससे ज़्यादा भी हो जाती है, या उसके एडवांस सूट्स के अंदर रहने पर उसके हिट्स या स्लैम्स काफ़ी ज़ोरदार होते हैं। बल्कि रोड्स ने मार्क टू सूट को पहनते ही आयरनमैन के मार्क फोर को लिफ्ट करके उसे थ्रो किया, या उसके किक्स जिसने मार्क फोर को पीछे पुश किया, या ये हिट जिसने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड क्रिएट किया बजाय वाइब्रेनियम शील्ड होने के। और तो और, वो अपने सूट के जरिए स्पाइडरमैन को भी पुल करता हुआ नजर आया है, या इस मिनी प्लेन पुलर ट्रक को लिफ्ट करके एंटमैन के ऊपर दे मारता है। वहीं वार मशीन आर्मर काफ़ी ड्यूरेबल है, जो बुलेट्स या हाई कैलिबर फायर आर्म्स के अटैक्स को इजीली ले पाता है कुछ डैमेजेस के साथ, जिसने वांडा के सैनिक बोल्ट के अटैक को लेने के साथ वो जब कैप्टन के किक के कारण गिरता है तब बस उसकी वो टिकल करने वाली वेपन डिस्ट्रॉय हुई और उसके सूट को कुछ नहीं हुआ, या आयरन मैन 2 में जब वार मशीन आयरन मैन का पीछा करता है तब इस कोलिजन के बाद भी वो अनकॉन्शियस हुआ, लेकिन उसकी बॉडी या सूट को कोई गहरी चोट नहीं आई। यहाँ तक कि इन्फिनिटी वार में कल ऑब्सीडियन के चेन हैमर का एक हिट भी वार मशीन का आर्मर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ सूट में मोटर्स और कई रिएक्टर्स फिट होने के कारण वार मशीन के कॉम्बैट स्किल्स या उसके सूट के मूवमेंट्स काफी क्विक और इफेक्टिव है, जिसने फैल्कन के फायर अटैक्स को इजीली यहां पर डॉच किया है, या ये विप के अटैक्स को देखते ही अपने एडवांस रिफ्लेक्सेस के जरिए अपने हेड को सेव किया है, या उसका सूट फ्लाई करने की कैपेबिलिटी होल्ड करता है जो अप टू मैक 4 की स्पीड पॉसिबली कैच कर पाता है, जिसने आयरन मैन के मार्क 6 सूट की स्पीड को मैच करके यहां उससे कोलाइड करता है, या वार मशीन फ्लाई करते हुए भी ढेरों अटैक्स करने के कैपेबल है।
या बात करें वार मशीन के बैटल स्किल्स की, तो जेम्स रोड्स खुद एक एयरफोर्स का कर्नल है जो एक ट्रेन फाइटर होने के कारण काफ़ी बैटल स्किल्स रखता है, जिसने सूट के बाहर आते ही इस एक्सट्रीमिस्ट के सोल्जर को एक पंच और किक जड़ दिया या मार्क टू सूट में रहकर भी अच्छी खासी धुलाई की आयरन मैन के मार्क फोर की। यहां तक कि डॉकयार्ड पर एक्सट्रीमिस्ट के सोल्जर के साथ हुए बैटल के दौरान जेम्स रोड्स बहुत हद तक अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़ और टेक्निक्स के थ्रू ही लड़ता हुआ नजर आया है, या उसके परफेक्टली पिस्तौल्स का इस्तेमाल कर पाना, जहां वह इस सीन में इस सोल्जर को मार के अपनी परफेक्ट एम को भी शो करता है, या उसका हाई एडवांस सूट्स और हेडसअप डिस्प्ले और स्कैनर्स अवेलेबल होने पर वो परफेक्टली मल्टीपल एम अटैक्स कर सकता है, और मशीन गन्स, मिसाइल लॉन्चर्स, बॉम्ब्स या ग्रेनेड्स होल्डर्स के साथ उसके सूट में सोनिक कैनन भी है जिसने वांडा को फोकस करने से रोका, साथ ही रिपल्सर बीम्स या यूनिबीम जैसी एबिलिटीज भी होल्ड करता है वार मशीन। जहां वार मशीन और आयरन मैन के रिपल्सर्स का कोलिजन क्या कर सकता है आपने इस सीन में देखा ही, साथ ही वार मशीन अपनी फायरिंग के साथ इस एंटमैन के लाइट टनल को उसके पास आने तक अपने अटैक्स के जरिए डिस्ट्रॉय कर देता है, या मिड एयर में फ्लाई करते हुए वो अल्ट्रॉन के लीजियन के काफ़ी मिनियंस के ऊपर भी धुआंधार फायरिंग कर चुका है, यहां तक कि वो एक एयरफोर्स का पायलट तक रह चुका है, जिस कारण उसे भी हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट्स उड़ाने की नॉलेज और एक्सपीरियंस तो होगी ही। तो गाइस अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो वार मशीन और विंटर सोल्जर इसलिए पावरफुल है क्योंकि वार मशीन यानी जेम्स रोड्स के पास एडवांस वार मशीन सूट है, वहीं बकी यानी विंटर सोल्जर जोला के लिए सुपर सीरम के कारण या उसके वाइब्रेनियम या मेटल आर्म के कारण उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वार मशीन का सूट हाईटेक एडवांस होने के कारण जैसा फ्लाइट कैपेबिलिटी, ढेरों वेपन्स या रिपल्सर्स और यूनिबीम्स विंटर सोल्जर के सुपर सीरम से पाए गए स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी या स्पीड से काफ़ी पावरफुल है, जिस कारण विंटर सोल्जर काफ़ी कम ही चांस होल्ड करेगा वार मशीन के सामने, यानी कि वार मशीन इस कंपैरिजन का क्लियर विनर है विदाउट एनी डाउट। तो गाइस ये थी विंटर सोल्जर वर्सेस वार मशीन के बीच एक सुपर कंपैरिजन वीडियो, जहां मैंने इन दोनों एमसीयू कैरेक्टर्स के जरूरी और मेन फीट्स की समरी बनाकर आपको एक ओवरव्यू दिया और बताया कि कौन पावरफुल है इन दोनों में से। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट इन दोनों में से कौन सा है और नेक्स्ट कंपैरिजन आप किन कैरेक्टर्स के बीच देखना चाहेंगे। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही मेरे नए चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स देखने के लिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।